गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। माई सेल्फ शिवानी जनागल। टुडे विल टीच यू मैथमेटिक्स वर्कबुक स्टैंडर्ड थर्ड। आपका जो चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है, कैन वी शेयर वाला। तो अब आपका जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 स्मार्ट चार्ट्स, आज वही हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। आपका न्यू चैप्टर नंबर 13 स्मार्ट चार्ट्स। स्मार्ट चार्ट्स का इसमें हम क्या क्या मतलब एक्सप्लेनेशन होगा आपका, टेलीमैक्स के बारे में, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, जो भी डाटा आप कलेक्ट करते हो। सपोज़ कि मान लो कि आपके ना टोटल स्टूडेंट है कि स्टैंडर्ड थर्ड के अंदर 40 स्टूडेंट है, फोर्थ के अंदर हम 50 स्टूडेंट हैं और फिफ्थ के अंदर 60 स्टूडेंट। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो ना, ये डाटा कलेक्ट कर रहे हो ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा फ्रिक्वेंसी। यानी फ्रिक्वेंसी ये कि भाई ये आपका हो गया भाई कलेक्शन कि थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर 40 है, तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई है ना। तो अब फोर्थ स्टैंडर्ड है तो फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर 50, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई इतना। अब आपको जो इसके अंदर जो आएंगे ना, क्या क्या आएगा इसके अंदर, टेलीमार्क्स आएगा। टेलीमार्क्स का मीन्स क्या है कि जो भी आप फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसको आप नंबर ऑफ लाइन से शो करते हो, उसको हम टेलीमार्क्स बोलते हैं। कि जो भी जैसे इसकी 40 है तो उसको हम नंबर ऑफ लाइन से शो करेंगे, ठीक है। सपोज़ कि मानो कि 1 आ रहा है तो उसको हम 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 आ रहा है तो हम 1 और 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 आएगा तो 1 2 3 लाइन ड्रॉ, और 4 आएगा तो 1 2 3 4। बट अगर 5 आएगा ना तो 1 2 3 4 और ऐसे क्रॉस करना है आपको। तो ये जो लाइन है वो कौन सी होगी, 5। ये हर 5 स्टेप पे आते हैं आपको करना है। जैसे 6 आएगा ना तो 1 2 3 4 5 और ये 6। सपोज अगर 10 आ जाता तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी हर एक 5 पे आने पर आपको ऐसे लाइन क्रॉस करनी है। समझ में आया कैसे टेलीमार्क्स होगी, ठीक है। अब हम यही कर रहे हैं, तो देखो बहुत इजी है ये चैप्टर, आपको भी मज़ा आएगा इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि ड्रो टेलीमार्क्स एज पर एग्जांपल, आपको ये देखो एग्जांपल के हिसाब से दिया है। तो 11 है तो मैं कैसे करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, समझ में आया। 13 के अंदर भी देखना, 1 2 3 4 ओके, फिर ये कट कितना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपका इस बार टेस्ट के अंदर शायद आपका वर्ड प्रॉब्लम आपकी पेंडिंग है ना इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5। तो काम करो, स्मार्ट चार्ट्स का चैप्टर अभी रहने दो। हाँ, मैंने हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम पेंडिंग दे गई है, सही मैं भूल गई हूँ, मैंने सोचा कि कंप्लीट हो गया होगा है ना, तब आपके वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाते हैं आज, उसको रहने देना, कोई बात नहीं। एक्सेल सीख ले तो हमने कोई लॉस तो होने वाला है ही नहीं। तो अब आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो। मैंने सोचा कि कंप्लीट हो चुका होगा इसके लिए है ना, तो आपका जो पेंडिंग है वही हम करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इफ 27 बेरीज, टोटल बेरीज कितनी है 27, आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग 9 चिल्ड्रन, है ना। आपको क्या करना है, आपके पास में टोटल 27 बेरीज है, उस 27 बेरीज को 9 चिल्ड्रन के 9 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर आपको ये पता नहीं है कि एक चिल्ड्रन के पास में, यानी एक बच्चे के पास में कितनी बेरी आएगी। हमारे पास में 27 बेरीज है और हर और टोटल कितने चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 9 चिल्ड्रन को। पर हमें ये पता नहीं है कि भाई 1 स्टूडेंट को कितना, यानी 1 चाइल्ड के पास में कितनी आएगी। तो 9 चिल्ड्रन के पास में टोटल कितने बेरीज आने चाहिए, 27, और 1 चाइल्ड के पास हमें पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, 27 डिवाइडेड बाई 9, तब हमें पता चल जाएगा कि एक बच्चे के पास में कितनी बेरी आने वाली है। तो 9 की टेबल के अंदर 27 ऐसे मैंने किया, फिर 9 की टेबल में 27 कब आता है, 9 1 9 9 2 18 9 3 3 आता है ना 27, तो 9 की टेबल में 27 कब आता है, 3 टाइम।
है ना, तो 9 की टेबल में 27 थ्री टाइम, यही कि 9 की टेबल में 27 कब आता है, ये जो सिंबल है वो डिवाइड का सिंबल है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी, हम दोनों का मीन्स है डिवाइड, ये डिवाइड का सिंबल है आपका। ओके, आप ऐसे लिखोगे तो भी एक ही बात है कि भाई 9 की टेबल में 27 कब आता है, थ्री टाइम। और अगर ऐसे करोगे 9 की टेबल ये 9 और ये 27 जो इसका डिवाइडेंड और ये डिवाइजर। ओके, समझ में आया, यानी हर एक चाइल्ड के पास में कितनी बेरीज आएगी, थ्री। फिर सेकेंड क्वेश्चन, इफ ईच गार्लैंड रिक्वायर्स 8 फ्लावर्स, हाउ मैनी गार्लैंड्स कैन बी मेड फ्रॉम 72 फ्लावर्स। क्या बोला है कि हर एक जो भी गार्लैंड यानी जो माला होती है उसके अंदर हमें 8 फ्लावर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक माला के अंदर, ये जो एक माला है ना उसके अंदर टोटल कितने फ्लावर्स आ रहे हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हर एक माला के अंदर 8 फ्लावर्स आ रहे हैं, तो हाउ मैनी गार्लैंड्स कैन बी मेड फ्रॉम 72 फ्लावर। 8 फ्लावर से एक गार्लैंड बन रही है, यानी एक माला बन रही है। तो अगर आपके पास 72 फ्लावर से तो कितनी मालाएं बनेगी वो आपको फाइंड करना है। तो वन गार्लैंड यानी ईच गार्लैंड के अंदर कितने फ्लावर्स आ रहे हैं, 8 फ्लावर्स, तो 72 फ्लावर्स के अंदर कितनी गार्लैंड बनेगी, तो क्या होगा, 72 डिवाइडेड बाई 8, है ना। तो 8 के टेबल में 72 कब आता है, तो देखो मैंने 8 ऐसे लिख दिया, फिर मैंने ये डिवाइड का सिंबल बनाया, अंदर 72 लिखा, 8 के टेबल में 72 कब आता है, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 48, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64 और 8 9 72, 9 टाइम, है ना। तो यहाँ पे आ गया 72, 8 9 72, 72 में से 72 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आएगा, 0, है ना, 2 में से 2 0, 7 में से 7 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इफ 45 बीट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, बीट्स यानी जो मोती होते हैं उनको, आर डिवाइडेड 5 इक्वल पार्ट्स, तो हाउ मेनी बीट्स विल बी देयर इन ईच पार्ट। 5 मतलब इक्वली आपको डिवाइड करना है ताकि उसके 5 मतलब माला ही बन जाए, है ना। तो अब आपको वही करना है, 45 बीट्स के अंदर कितने पार्ट करने हैं, 5, तो 1 पार्ट के अंदर कितने बीट्स आएंगे, तो वही 45 का 5 के अंदर डिवाइड करना है, तो 5 45 5 की टेबल में 45, 5 9 जा 9 टाइम आता है ना, तो मैंने इधर 9 लिख दिया और ये 45 लिख दिया, 5 में से 5 हुआ 0, 4 में से भी 4 सेपरेट हुआ 0, ठीक है। फिर 6 नंबर, 1 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है ना, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़, तो हाउ मैनी पेन, कितने पेन खरीदोगे 70 रुपीज़ के अंदर, कितने पेन आएंगे वो आपको पता करना। आपको ये तो पता है कि 1 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो अगर आपके पास में 70 रुपीज़ है तो आप कितने पेन खरीदोगे, तो द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 10 रुपीज़, तो 70 रुपीज़ के अंदर कितने पेन आएंगे हमारे पास में, तो 70 डिवाइडेड बाई 10 करना है, 10 के टेबल में 70 कितना आएगा, 7 टाइम 10 7 जाना, तो देखो 10 की टेबल 10 ऐसा लिखा 70, 10 की टेबल में 70 कब आता है, 7 टाइम्स में, तो 7 इधर आ जाएगा, क्या आता है 7 टाइम्स में 70, तो 7 0 70, ठीक है। सेपरेट कर लो, 0 में से 0, 7 में से 7 डेस हुआ 0, समझ में आया। ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि अगर 1 पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है तो 20 पेन के अंदर 20 रुपीज़ के अंदर कितना आएंगे, तो 2 आएंगे, फिर 30 रुपीज़ में 3, 40 रुपीज़ में 4, 50 रुपीज़ में 5, 60 रुपीज़ में 6 और 70 रुपीज़ में 7, तो यही आएगा, तो टोटल कितने पेन आ जाएंगे, 7 पेन, कितने रुपीज़ में, 70 रुपीज़ में। इफ 54 मार्बल्स आर डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, हाउ मेनी मार्बल्स विल बी देयर इन ईच पार्ट, यानी 6 इक्वल पार्ट करने हैं आपको, हर एक अलग अलग पार्ट करने हैं, तो 6 इक्वल पार्ट के अंदर अगर हम डिवाइड करते 54 मार्बल से, है ना, तो आपको पता ना कि ईच पार्ट में कितना आएगा, तो 54 मार्बल्स इक्वल टू 6 पार्ट, तो 6 डिवाइडेड 54, 6 की टेबल में 54 कब आता है, 9 टाइम्स,
9, 6, 9 = 54, 54 में से 54 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, यानी ईच पार्ट के अंदर कितनी मार्बल्स आएंगे, 9 मार्बल्स. ओके, हाउ मेनी काउज विल हैव अ टोटल ऑफ 24 लेग्स. तो वन काउ के कितने लेग होते हैं, 4 लेग्स. ये तो हमें पता है, वन काउ के 4 लेग्स होते हैं. अगर 24 लेग्स होंगे तो कितने काउज होंगे वो बताना है. अगर टोटल लेग्स अगर 24 लेग्स है तो हाउ मेनी काउज, कितनी काउज होगी, तो वही करना है, 24 / 6, है ना. ठीक है, तो अब 6 की टेबल तो 4, यहाँ पे 4, सॉरी, तो 4 की टेबल 4 / 24, तो 4 की टेबल में 24 कब आता है, 4 2 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4 6 = 24. तो 6 आ गया ना, आ गया 6 टाइम. क्या आता है 6 टाइम, 24. 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 0. कंप्लीट, यानी कितने आएंगे, कितनी काउज होगी, 6 काउज. अगर 24 लेग्स है तो टोटल, अगर 24 लेग्स है तो काउज कितनी आएगी, 6. फिर इफ 56 चॉकलेट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 7 चिल्ड्रन, 7 चिल्ड्रन के अंदर हमें 56 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जैसे हमारा बेरीज वाला क्वेश्चन था सेम वही है. तो हाउ मेनी चॉकलेट्स विल ईच चाइल्ड मिल की, तो हर एक बच्चे के पास में कितनी आएगी, एक बच्चे के पास में. पर हमें यह पता है कि 56 चॉकलेट्स को कितने चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, 7 चिल्ड्रन के अंदर, तो हर एक के पास में कितनी आएगी, तो 56 डिवाइडेड बाई 7, 7 डिवाइडेड बाई 56. सो 7 की टेबल में 56 कब आता है, 8 टाइम. कब आता है, 8 टाइम. तो 7 8 जा क्या आता है, 56. 6 में से 6 0 और 5 में से 5 भी 0. ओके, तो यानी कितने आएंगी, एक बच्चे के पास में कितनी चॉकलेट आएगी, 8 चॉकलेट. ओके, तो 7 के पास में कितने, 56. हाउ मैनी ऑटो रिक्शास विल हैव ए टोटल ऑफ 27 टायर्स. एक ऑटो रिक्शा के कितने टायर होते हैं, 3 टायर. ऑटो रिक्शा के 3 टायर ही होते हैं, तो अगर 27 टायर्स है तो कितनी मतलब ऑटो रिक्शा होगी, तो क्या होगा वही 27 डिवाइडेड बाई 9, या तो यह लिखिए या फिर ऐसा करो, एक ही बात है. तो 9 की टेबल में 27 कब आता है, 9 1 = 9, 9 2 = 27 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 3 है ना, क्योंकि ऑटो रिक्शा के 3 टायर होते हैं ना. तो 3 की टेबल में 27 कब आता है, 9 टाइम. देखो 3 डिवाइडेड 27, फिर डिवाइडेड 9, तो 3 9 = कितना, 27. 7 में से 7 0, 2 में से 2 0. कंप्लीट, टोटल कितनी ऑटो रिक्शा हो जाएगी, 9 ऑटो रिक्शा. चलो हो गया ये आपका कंप्लीट. अब हमारा जो चैप्टर नंबर जो 13 है जो मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो उसके अंदर हम समझ रहे थे ना कि भाई ये 5, ये 10, ये 13, 15 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. फिर देखो ऐसा ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. समझ में आया. फिर देखो 1 2 3 4 5 1 2 sorry 5 हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. समझ में आया. कर लोगे ये, तो आपका ये वाला है, ये पूरा पार्ट आपका होमवर्क हो जाएगा ना. ये टेलीमार्क्स तो बहुत इजी है, आपको बस हर एक 5 स्टेप पे आते आपको क्रॉस लाइन करनी है. ठीक है, समझ में आया. अब जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है कैसे है, तो उसमें आपको काउंट करना है, वो भी बहुत इजी है. कैसे, देखो 1 2 3 4, ये तो 5 होता है, ये पूरा 5 5 4 1 6. फिर देखो 5 10 11 12 13 14, तो 14 है वो. फिर 5 10 15 16 17, तो 17. फिर 5 10 15 20 20. 5 10 15 20 25 6 7 8, तो 28. ऐसा कैसा आप ये कर लोगे, हो जाएगा, नहीं होगा तो हम जब अपना जब भी बारी आएगी टर्न आएगा तब मैं आपको करवा दूँगी.
ओके, आज हम इतना ही करेंगे, और जो मैंने जो ये वाला होमवर्क दिया, ये वाला होमवर्क है, वो आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है? और नहीं आएगा तो मैं आपको डब्ल्यू अपनी नेक्स्ट टर्न आएगी सैटरडे को, तब मैं आपको करवा दूँगी, ओके? आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों? ओके, चलो बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।